तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं VVA माइक्रो प्रोग्रामिंग, और VVA माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे इफ कंडीशंस की। इफ कंडीशन का क्या रोल है आज हम इस क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने एक वैल्यू है, नॉर्मली तो हम इफ कंडीशन लगाते ही हैं कि इफ लगाया कि इफ और अगर एक ग्रेटर देन 50 है तो यहाँ पे ओके आए, पेंडिंग आए। तो इन नॉर्मल एक्शन हेलो सर हम VVA में कैसे करें इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। हेलो सर, परमिशन चाहिए था। लेट हो जाते हैं आप, टाइम पे आया कीजिए सर, वो पता नहीं कैसे बात लेट हो गया। तो इस तरह की चीजें हम VVA के साथ कैसे करेंगे, चलिए हम इसी चीज की डिस्कस करते हैं ताकि हम ऑटोमेशन कर सके। तो इंसर्ट करते हैं और आज सर का टॉपिक क्या है सर? इफ कंडीशन। मैग्नीफायर ले लेता हूँ, कुछ लोगों ने बोला है कि स्क्रीन ये दिखता नहीं। यहाँ पे हम इंसर्ट में आते हैं, मॉड्यूल्स पे आते हैं, और यहाँ पे हम सब्जेक्ट देंगे, फिर सब्जेक्ट आ रहा थोड़ा साइज से लेकिन जूम बढ़ा दे सर, 150 कर देंगे। हाँ मैं कर देता हूँ। शॉर्टकट भूल गया था मैं, हाँ कंट्रोल प्लस विंडो प्लस। चलिए पढ़ा। तो यहां पे हम करेंगे कि इफ, यहां पे इफ रेंज ए टू डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 देन रेंज ऑन नहीं करता हूं डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ओके। आपने देखा हमने यहां पे एक मैक्रो लगाया। अब यहां पे हमने जो मैक्रो टाइप किया हुआ है आप यहां देख रहे होंगे कि ये चीज सिर्फ हमारा, अगर मैं इसको रन करता हूं तो सिर्फ ये आपका ए टू इस पे वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको चेंज करता हूं, यहां पे 60 कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक पे रन हो रहा है। बट मुझे इसको रन करना है पूरे पे। C2 के जगह मैं B2 कर देता हूँ, यहाँ पे गलत हो गई। मैं इसको यहाँ से अगर रन करता हूँ तो सिर्फ यहाँ पे देखिए B2 पे आ रहा है, एक चल रहा है क्योंकि हमने एक ही दिया हुआ है। देखिए मुझे इसको पूरा देना है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लूप यूज करेंगे। क्योंकि मैं पहले भी आपको समझाया था कि लूप फोर आई इक्वल टू चले 1 to 114 और फिर यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट आई। फिर भी कोई फायदा नहीं क्योंकि ए इस लाइन को रन तो करेगा वो 114 टाइम्स, बट हर बार ए टू को चेक करेगा और सी टू पे रिजल्ट देगा। तो यहाँ जो ए टू है वो हर बार, पहली बार में ए टू होना चाहिए, दूसरा में ए थ्री ए फोर ए फाइव इस तरह से होना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि फोर में आई जो होता है काउंटर होता है, तो हम यहाँ पे इन दोनों को आपस में कॉन्केट कर देते हैं। इफ आई
और यहाँ भी हम इसको कॉन्जुगेट कर देते हैं। इसे क्या होगा कि जब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ से रन करूँगा, तो ऐसे एफ एट भी बताता हूँ मैं, एफ एट, एफ एट जो होता है वो क्या होता है, डिवर्ब के लिए होता है, स्टेप इनको बोलते हैं इसको। तो मैं अपने कीबोर्ड का एफ एट दबाता हूँ, देखिए तो आपके सामने देखिए आई कितना है, वन है, तो ए के साथ वन को कंबाइन हुआ ए क्या हो गया, ए वन, ए के साथ वन को कंबाइन हुआ तो ए वन हो गया और सक्सेस हुआ तो रिजल्ट बी वन पे सेव हो गया। फिर नेक्स्ट इस तरह में टू से सर, टू से रन है क्योंकि हमें एक नंबर का वैल्यू नहीं है। क्या टू से नहीं समझ, कितना समझ रहे, क्या बोल रहे हैं आप? तो मैं कह रहा हूँ कि हमें ना जो आपने कहा फोर आई वन टू टू, सॉरी हमें टू से कराना है। हाँ हाँ, यहाँ टू से कराना होगा क्योंकि हेडिंग है यहाँ पे ना। अगर टू से नहीं कराना चाहते हैं आप तो यहाँ पे प्लस वन कर दीजिए तो आपका टू से हो जाएगा और यहाँ भी प्लस वन करना राइट। या फिर ऐसा ना करें तो यहाँ पे आप टू कर दीजिए कि टू से, क्योंकि हेडिंग आपका टू से है, हेडिंग है आपका आया डेटा आपका टू से है, एक हेडिंग है आपका रो नंबर टू। तो इस तरह से क्या हुआ कंटिन्यू चलेगा, अगर मैं एक बार प्ले कर दूंगा तो आप देखिए पूरे में आपका आ गया। तो नेक्स्ट टाइम मुझे अगर इंसेंटिव निकालनी होगी तो मुझे इफ फॉर्मूला इंसेंटिव चेक करना होगा मान लीजिए, तो मुझे इफ फॉर्मूला सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं लिख टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट क्या करेंगे माइक्रो पे जाएंगे और इस माइक्रो को रन कर देंगे। या फिर इस माइक्रो को रन करने के लिए हम यहाँ बटन्स भी यूज कर सकते हैं, हमने यहाँ पे बटन्स दिया और इस पर हमने अप्लाई कर दिया और यहाँ पे हम कर देते हैं गेट चेक या कुछ जो भी टाइप करना चाहते हो टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे हमने बोल दिया चेक और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा हमारा माइक्रो रन हो जाएगा। लेकिन बात वही है कि 114 तक चल रहा है लेकिन डेटा कल के डेट में हमारा 115 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है। तो जो लूप हमने लगाया उसको डायनेमिक कैसे किया जाए, जो लूप लगाया है उसको डायनेमिक कैसे किया जाए, क्वेश्चन नाइन जी आपको नहीं मिल सकता क्योंकि आपको यहाँ पे सिस्टम बता रहा है कि आपने मोबाइल फोन से ज्वाइन किया है, कुछ प्रॉब्लम है देख लीजिए, रिकॉर्डिंग की परमिशन मांग रहे थे। क्या मेरे को भी दे दीजिए, किसको चाहिए परमिशन, मेहताब जी ना दिया हुआ मेहताब जी आपको तो देखिए जी लग रहा है आपका इंटरनेट का स्पीड काफी स्लो है सर। स्लो स्पीड ऑफ एक्चुअली। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अगर हम लोग बढ़ा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे लूप को मुझे ऑटोमेट करना पड़ेगा ना। यहाँ अगर आप आते हैं कोड पे तो ये जो लूप है यहाँ पे सब जूम करता हूँ, ये जो लूप में हमने 2 से 114 कर किया है ना इसको थोड़ा सा ऑटोमेट करना है। इसको ऑटोमेट करने के कई तरीके हैं लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं यूज़ करता हूँ रेंज 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप। एक्सलेस अप और यहाँ पे हमने दे दिया डॉट रो। क्या हो गया आपका, अब आपका डेटा ऑटोमेट हो गया। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये कल के डेट में कम या ज्यादा होता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जो हमने यूज किया उसमें क्या था, सिंगल कंडीशन एंड सिंगल रिजल्ट, क्या था सिंगल कंडीशन एंड सिंगल रिजल्ट। नायक जी आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना, आपने म्यूट कर सुन पाऊंगा? हाँ जी सर क्लियर आ रही है। ठीक है सर, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि दूसरे लूप की कंडीशंस की, तो यहाँ पे क्या है कि जो ग्रेटर देन 50 नहीं है उसको पेंडिंग करना है हमको, तो हमें यहाँ पे एल्स का चाहिए, तो मुझे यहाँ पे क्या है कि एल्स रिजल्ट चाहिए, तो हम इसको तोड़ के नीचे लाएंगे और फिर यहाँ पे देंगे एल्स और
एल्स में हम देंगे यहाँ पे, इसी को कॉपी कर लेता हूँ पेस्ट, और ओके के जगह पे यहाँ में देना पड़ेगा पेंडिंग पेंडिंग, और फिर यहाँ पे देना होगा एंड, राइट। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास सिंगल कंडीशन एंड सिंगल रिजल्ट्स हैं तो आप इसको डायरेक्ट इफ को एक लाइन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट आपके पास कंडीशन एक या एक से अधिक हो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके पास रिजल्ट एक से ज़्यादा है, एल्स में है चाहे इसी में ट्रू में ही आपको कई सारे पार्ट हैं, तो उसमें आपको यहाँ पे ओके और ये एल्स देना पड़ेगा और एंड इफ देना पड़ेगा। तो एल्स देना हर जगह जरूरी नहीं है, जहाँ एल्स पार्ट होगा वहीं पर एल्स देना है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कि इसी एग्जाम्पल को बात करते हैं कि मेरे पास एल्स का पार्ट नहीं, बट मुझे क्या करना है कि दो देना है, कि हमें एक तो ओके में लिखना है, साथ में ए वाले कॉलम में जो डेटा है उसको कलर भी करना है, तो उस केस भी ए नीचे टूट के आएगी। और यहाँ पे देंगे रेंज में हम यहाँ पे देंगे ए के साथ हम कंबाइन करेंगे आई, और कलर करने के लिए इंटीरियर होता है डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड ग्रीन ब्लू जो देना चाहते हैं दे सकते हैं, और जैसे टूट के नीचे आएगा वहां पे आपको एंड इफ लगाना पड़ेगा। तो इसका ध्यान रखिएगा कि आपको जैसे एक तोड़ के नीचे आपने लाइन लिखा तो आपको एंड इफ देना ही है। एस कब देना है, जब आपको फॉल्स पार्ट में कोई रिजल्ट शो करना है उस केस में। तो किसी को डाउट है इस पे? और आप एल्स में भी कई सारे कंडीशन कई सारे रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, और आप ट्रू में भी कई सारे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। जितना लाइन ऑफ कोड लिखना है जरूरत के हिसाब से आप इसमें भी और इसमें भी लिख सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? अमित जी, अतीश जी, समझ में आया? किसी को डाउट? जी सर। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ जी। हेलो सर, इसमें इफ हम कितनी बार लगा सकते हैं? क्या मेरा सवाल है कि इफ हम कितनी बार लगा सकते हैं? इफ आप जितना मर्जी लगाए, बस फाइल का जो साइज है, ये जो मैक्रो का साइज 225 KB नहीं होना चाहिए। लिमिट इज नॉट डिफाइंड तो एक माइक्रो की साइज होती है, सुनिए, एक माइक्रो का साइज होता है 255 KB, तो आप इतना इफ लगा सकते हैं जितना बार से आपकी माइक्रो के साइज 255 KB से ऊपर ना। ठीक है, कंडीशन भी हम कई तरह से दे सकते हैं। हाँ, कंडीशन के भी सेम प्रोसीजर। अब यहाँ पे मतलब एक मिनट उठ जाइए, बता रहा हूँ सर, पेशेंस रखिए ना सर। जैसे कि यहाँ पे मुझे मल्टीपल कंडीशंस डालने हैं, हमें इस पे क्या करना है, मल्टीपल कंडीशंस डालने हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अगर एक ग्रेटर देन 50 और लेस देन 60 हो, राइट, ग्रेटर देन 50 और लेस देन 60 हो, तो उस केस में अगर आपके पास रिजल्ट सिंगल है तो यहाँ पे आप जो है एंड लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप कर दीजिए लेस देन। अभी हम सिंगल इफ ही लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हमने अभी आपको नेस्टेड इफ नहीं बताया है, नेस्टेड इफ आपको आगे क्लास में बताऊंगा, समझ गया, ये सिंगल इफ है आपका। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है, तो एक से ज्यादा कंडीशन इस तरह से एंड में आप डाल सकते हैं। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हुआ तो रिजल्ट आएगा, फुलफिल नहीं हुआ तो रिजल्ट नहीं आएगा। Okay? आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशंस की तरफ। अगर मेरे पास कंडीशन एंड का नहीं है, मेरे पास कंडीशन मान लीजिए ए है, और का है, ऐसा
अंडरस्कोर हमने टू कर दिया और राइट पे ओपन किया। अब यहां पे मैं फोर लूप देता हूं, फोर आई इक्वल टू चले रेंज 65,000 डॉट एंड एक्स लेस अप और हमने बोला कि इसका रो ले लो, इसका रो इसने ले लिया। फिर यहां पे नेक्स्ट आई कर देता हूं, किसी के बीच में लूप रखना। अब कंडीशन हुआ कि इफ हमने बोला कि रेंज, अब इसमें आपको ये दिक्कत हो रही होगी कि बार बार मुझे रेंज आई इस तरह से लिखना पड़ रहा, तो वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं आप ए के साथ, वो आगे मैं बताऊंगा कल की क्लास में, डॉट वैल्यू। तो इसमें मुझे कई सारे कंडीशंस लगाने हैं, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया कि डिम आर एज ए इंटीजर या लॉन्ग एज पर योर रिक्वायरमेंट आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बोला कि r इक्वल टू रेंज, हमने बोला कि a के साथ कंबाइन होगा i डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे मुझे if r इज इक्वल टू 10 और r इज इक्वल टू 20 और r इज इक्वल टू 60 और r इज इक्वल टू 85 और r इज ग्रेटर देन 90 then हेलो और तो जो लगा दो ठीक है कॉल कर देंगे। और फिर यहां पे हम देंगे कि रेंज v या c जो भी है c एंड i डॉट वैल्यू इज इक्वल टू इन हाउस जो भी रिजल्ट आपका जो भी करना चाहते हो आप। यस सी कॉपी किया हमने बोला आउटसोर्स। और फिर यहां पे हमने एंड, तो आपका और क्या होता है, तो एंड का यूज कब होता है, जब मुझे यहां पे मल्टीपल कंडीशन चाहिए होता है और सारे के सारे कंडीशन रिक्वायर हो, कि जैसे कि आपने बोल दिया कि ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80, तो दोनों को देखेगा, दोनों होगा तभी वो यूज कर पाएगा। और में क्या होता है, कोई एक अगर आर अगर मान लीजिएगा 10 भी है फिर भी इन हाउस दे देगा, 20 है फिर भी इन हाउस दे देगा, 60 है फिर भी इन हाउस दे देगा, 85 है फिर भी इन हाउस दे देगा और 90 से ऊपर है उसको भी इन हाउस दे देगा। अब चलिए इसको रन करके आपको समझाते हैं। यहाँ तो माइक्रोस और मैंने यहाँ पे एफ थ्री को यहाँ से रन कर, एक मिनट, और एक ही नाम के दो माइक्रो नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा एक नाम के दो माइक्रो नहीं हो सकते। और मैंने इसको रन कर दिया, दिख गया सर। तो इफ कंडीशंस को लगाने का तरीका समझा, पहला तरीका आपने समझा कि आप कैसे लगाएंगे, सिंगल कंडीशन सिंगल रिजल्ट है तो कैसे इसका इस्तेमाल कर लेंगे, राइट। फिर दूसरा यहां पर आता है कि अगर यहां पे हम एल्स का पार्ट देंगे तो कैसे एल्स का पार्ट देंगे और एक से ज्यादा रिजल्ट कैसे अप्लाई करेंगे, एंड देन और एंड इफ लगाना जरूरी कब क्यों है कब है। उसके बाद आपको मैंने समझाया कि कैसे हम मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं, मल्टीपल रिजल्ट दे सकते हैं, एंड का इस्तेमाल बताया कि कैसे हम एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने देखा यहाँ पे कि किस तरीके से हम और का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपने इसके लूप के बारे में जाना कि लूप का इस्तेमाल कैसे होता है। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को, हेलो नीरज जी, इसमें एंड वाला एग्जांपल बताएं आप लोग। हां तो बता रहे थे अभी आपको मैंने एंड क्वेश्चन रिलीज कर दिया एग्जांपल, मैं दोबारा बता देता हूं यार आपको।
आपको पता नहीं है या पता करना है कि मैं बताया नहीं बताया? मुझे पता नहीं है ना इसलिए सब कुछ रखी जा रहा है। अगर दिमाग में नहीं था तो पहले बताया था, बट वो किसी मैक्रो में नहीं बताया था मैंने। कुछ नहीं होगा, जैसे आपने एंड लगाया उस तरह से और हो जाएगा। जैसे आपने और एंड, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया ग्रेटर देन 50 और यहाँ पे हम एंड दे देंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे लेस देन 80, लेकिन रिलेटिव होना चाहिए क्योंकि दोनों चीज होना जो वहां पे होगा। ठीक है, एंड लिखने का तरीका ये है, आप दो से ज्यादा भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे एक ही लिखा ना, दो ही कंडीशन दी है, दो से ज्यादा भी हो सकती है। ओके, डाउट किसी को? तो इसमें दोनों कंडीशन में ये इन आउट, इन हाउस और आउट हाउस होता है। अब रिजल्ट को मत देखिए ना, आप कंडीशन को देखिए, रिजल्ट को हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। भावनाओं को समझिए और तोसनायन जी, अमित जी, कोई डाउट आपको? नहीं सर, कोई डाउट। और किसी को डाउट इफ पे? नो सर। तो इफ का यूज जो हम लोग करते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। और इसकी टोटल मैं आपको 3 से 4 क्लासेस दूंगा और आप इसका यूज हर जगह पे करेंगे क्योंकि इसके बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। और सिर्फ वीवीए की ही बात ना करूँ मैं, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ले लें, चाहे सी ले लें, सी हैश ले लें, या फिर आप जावा ले लें, आप PHP ले लें, सी शार्प ले लें, सब में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी। और कंडीशन का तरीका एक ही होता है, एंड और होता है इफ एंड और। अब इसमें दो इसके पार्ट और भी है, इसके एक पार्ट आपका आता है नेस्टेड इफ का, मतलब कि मेरे पास बहुत सारे कंडीशंस हैं। दूसरा आपका आता है एल्स इफ का, मतलब एक कंडीशन ना मिले तो दूसरा कंडीशन मिले। नेस्टेड इफ में क्या हुआ कि एक कंडीशन मिल गया या ना मिला ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि अगला इफ कंडीशन क्या होगा। और नेस्टेड इफ एल्स इफ इसको बोलते हैं। एल्स इफ में क्या होता है कि अगर पहला इफ नहीं दिया तो दूसरा इफ पे वर्क करेगा, मैं पहला इफ फुलफिल नहीं हुआ तो दूसरा इफ पे वर्क करेगा। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल भी है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको थोड़ा सा स्लो पढ़ें। ओके, और ये आपको हर जगह इस्तेमाल करेगा। हमें लगता है कोई ऐसा रिपोर्ट होगा, कुछ ऐसा माइक्रो होगा जिसमें इफ का इफ कंडीशन ना लगा हो, बहुत ही रेयर ही आपको दिखेगा। ठीक है सर, इसलिए इसको स्लो कीजिए। तो आप लोगों को सामने मैंने इफ के तकरीबन 6 एग्जांपल बताए हैं। अब आप लोग मुझे इसको रेफरेंस में लेते हुए तकरीबन 10 एग्जाम्पल बना के दीजिए, बन जाएगा आप लोगों से? Yes, sir. अब यस सर कर रहे हैं, लेकिन कल पिछली क्लासेस की तरह तो आई नहीं है, हमने आपको एक ऑटोमेटिक अटेंडेंस टेबल बनाने के लिए बोला था, अच्छा अटेंडेंस फॉर्मेट बनाने के लिए बोला था वीवीए के थ्रू, की कोडिंग करने की बोली थी ताकि वो फॉर्मेटिंग का आपका एक्सरसाइज हो जाए। और जहाँ तक मैं मेल अपनी मेल देखा है कल तक, आज सुबह शाम तक तो किसी का मेल नहीं आया था। आज दोनों दे दूंगा। और बाकी लोग, कुंदन जी, मैं yes, जी, आप लोग भी क्लास में, अमित जी आप लोग भी क्लास में हैं सर, दोनों आज शेयर करें। यही यही गलती स्कूल में किया जाते था, मुर्गा बन गए होते हैं। क्या जी का मेल नहीं आया? देखिए राहुल जी का सुबह क्लासेस की बात है, सुबह में एक पढ़ा। हाँ, दूसरी चीज
एक्सेल में तो इफ लगाना सबको आता है ना, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको एक्सेल में इफ लगाना नहीं आता है? एक्सेल में आता है सर, सबको आता है ना एक्सेल में? जी सर, जी सर, हां जी सर। तो आप इसको रेफरेंस में लीजिए और मुझे बना के भेजिए, ठीक है? दोनों दोनों चीज कल हम नेस्टेड इफ के ऊपर, और ध्यान रखिएगा आज की इफ की क्लास की प्रैक्टिस करेंगे तभी कल की क्लास समझ में आएगी आपको। और ये इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि आगे हर जगह यूज होगा। अगर अभी आप इसको इग्नोर कर देते हैं तो हर क्लास में आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। सो प्रैक्टिस कीजिए, कल हम मिलते हैं। और कुछ लोगों का आज इंटरनेट स्लो था तो आज की रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, आप लोगों को मिल जाएगा।